हेलो बच्चों तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन डिस्पर्सन सेकंड यूनिट में आता है हम अभी फर्स्ट यूनिट की हम बात करें फर्स्ट यूनिट के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कैसे उनको मेजर करते हैं इसके अंदर हम अर्थमेटिक मीन ठीक है फिर मीडियन मॉड जोमेट्रिक मीन और हारमोनिक मीन इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है और अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है अगर आप किसी भी डाटा का मतलब कोई भी आप डाटा देखते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि जो डाटा लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट होता है धीरे धीरे अप होता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाने के बाद फिर वहाँ से डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएं अगर हम उसका ग्राफ बनाएं किसी भी डाटा का तो ज़्यादातर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है जब आप ग्राफ बनाते हैं तो डाटा इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है ठीक है इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है फिर ये इस तरह चला जाता है तो थोड़ा बहुत कभी इधर होता है कभी उधर ज़्यादा होता है लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि जो ज़्यादातर ऑब्ज़रवेशंस होती हैं ना वो सेंटर में होती हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अगर आपकी क्लास है उस क्लास में अगर हम सबका मीन वेट निकालने की कोशिश करें तो मीन वेट मैं ले लेता हूँ कि भाई हम बिल्कुल कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो ज़्यादा वेट नहीं रखते हैं मतलब 30, 40, 40 किलो ले लेते हैं 40 किलो लेते हैं और कुछ हैवी वेट भी हैं क्लास के अंदर तो हैवी वेट क्लास के अंदर मान लेते हैं लगभग 90 किलो 100 किलो के लोग हैं लेकिन अगर, अगर आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखोगे तो 40 किलो के और 100 किलो के स्टूडेंट्स कम पाएंगे अगर हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बात करें आपकी एज की कैटेगरी की बात करें तो ज्यादातर 60, 70, ठीक है 80 भी बहुत कम पाएंगे मतलब 50 से 70 के बीच में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो डाटा होगा ना वो यहाँ सेंटर में होगा 50 से 70 के बीच में होगा और उस उसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो सबसे ज़्यादा आएगी यानी डाटा जो है आपका सेंटर की तरफ ज़्यादा आता है हमेशा ठीक है किसी भी ऑब्जर्वेशन की बात करो आपका डाटा जो है सेंटर की तरफ हमेशा ज़्यादा रहता है तो जो डाटा हमारा यहाँ पर इकट्ठा होता है यहीं पर जो हम मेजरमेंट करते हैं वही होता है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि यहाँ जो सेंट्रल में जो डाटा आ रहा है ठीक है उसकी मेजरमेंट हम कैसे कैसे करते हैं इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं इसको करने का तरीका मीन भी होता है मीडियन भी होता है मॉड भी होता है ज्योमेट्रिक मीन भी होता है हार्मोनिक मीन भी होता है तो इन सब के बारे में समझते हैं एक एक करके कि ये एक्चुअली में है क्या ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थमेटिक मीन के बारे में कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है अर्थमेटिक मीन यानी सिंपली आप कह सकते हो एवरेज जैसे हम छोटी क्लासेस से निकालते ही आ रहे हैं आपके पास कुछ नंबर्स हैं मान लो एक नंबर मैंने लिया टू फिर एक नंबर आ गया आपके पास थ्री एक नंबर आ गया फोर चार तीन सात और दो आठ और एक ले लेते ले 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 हैं चार और ले लेते ले ले हैं चार चार आठ तीन ग्यारह और दो तेरह तो इसको मैं चार की जगह कर देता हूँ तीन थोड़ा समझने के लिए इजी कैलकुलेशन रहेगी हमारे पास तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उनका जो टोटल है चार नंबर हमारे पास है इन चारों का टोटल करेंगे फोर प्लस थ्री सेवन सेवन और थ्री टेन टेन और टू ट्वेल्व और डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऐसे हम निकालते आते हैं एवरेज ठीक है काफ़ी छोटी क्लासेस से हमने सीखा है तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता है समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन ठीक है यहाँ पर एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपने इन सब का टोटल करना है टोटल करने के बाद नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है ये आपके पास इसका मीन आ गया अब लेकिन ये जो मीन आता है ये होता है जब आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती हैं अलग अलग डाटा दे रखा होता है मतलब फ्रीक्वेंसीज नहीं होती यहाँ पर ऑब्जर्वेशनस होती हैं कि यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दे दिए दो दे दिया तीन दे दिया चार दे दिया तीन दे दिया ठीक है इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा अगर ग्रुप्ड डाटा आ जाए या फिर डिस्क्रीट डाटा आ जाए क्योंकि डाटा आपको पता है कि ग्रुप्ड भी हो सकता है अनग्रुप्ड भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है अगर डिस्क्रीट डाटा आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं डिस्क्रीट डाटा का मतलब हो गया कि जैसे आपके पास आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ इस तरह की टेबल आती है एक बार यहाँ एक्स आई लिखा होता है या एफ आई तो यहाँ पर मान लो एक्स आई दो तीन चार पाँच है फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये एक होगी ये तीन हो गई ये दो हो गई ये एक हो गई तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आप मीन निकालते हैं तो आपको करना क्या होता है कि पहले आप एफ आई एक्स आई निकालो एफ आई एक्स आई का जो टोटल आएगा एफ आई एक्स आई यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है टू वन जा टू थ्री थ्री जा नाइन फोर टू जा एट एंड फाइव वन जा फाइव इसका टोटल करेंगे नौ दो ग्यारह ग्यारह और आठ ग्यारह आठ उन्नीस और पाँच चौबीस तो इसका डाटा आपके पास आ गया ट्वेंटी फोर ठीक है तो सम होगा इसका वो रखेंगे हम ऊपर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई एफ आई मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है इसका मतलब ये होता है कि जो दो हो रहा है वो एक बार आ रहा है तीन तीन बार आ रहा है चार दो बार आ रहा है पांच एक बार आ रहा है तो टोटल हमारे पास नंबर हो कितने गए ठीक है इतनी बार नंबर आ रहे हैं तो तीन और दो पांच और दो छ तीन और दो पांच और दो सात तो ये आ गया आपके पास तो टोटल फ्रीक्वेंसी का सेवन सेवन से इसको आप डिवाइड कर देंगे तो सेवन थ्री ज़ै ट्वेंटी वन फिर कितना बचेगा आपके पास थ्री सेवन फोर जै ट्वेंटी एट मतलब थ्री पॉइंट फोर समथिंग यहाँ पर इसका मीन आ जाएगा तो इस तरीके से अगर डिस्क्रीट डाटा होगा तो आप इस तरीके से मीन उसका फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास तीसरा जो ग्रुप्ड डाटा है अगर ग्रुप्ड डाटा आ जाए तो आप मीन किस तरह से फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है या इसके अलावा एक ये फार्मूला होता है हमारे पास ये वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसमें यहां पर ये यह जो सी है तो इस फार्मूले में क्या कह रहा है ये इस फार्मूले में कह रहा है यहां पर आपको एक ए लेना है ए मतलब एक आपको एज्यूम्ड मीन लेना है जो भी आपको वैल्यूज दे रखी होंगी जो एक्स आई दे रखी होगी उसमें से किसी एक वैल्यू को आप एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है फिर उसके हिसाब से हम निकालेंगे एफ आई डी आई डी आई कैसे निकालते हैं डी आई के लिए क्या करेंगे आप जितनी भी एक्स आई है उसमें से ए को कर देंगे माइनस A मतलब जो एज्यूम्ड बीन हमने माना था उसको कर देंगे माइनस और डिवाइडेड बाय करेंगे सी सी मतलब जो क्लास इंटरवल होता है उसका जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर सी और डिवाइड करेंगे इसको एन एन मतलब सिग्मा एफ आई जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उन सब का जो सम होता है तो अब जो ये वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को जिसमें आपको ये ग्रुप क्लास इंटरवल दिया हुआ है उस क्लास इंटरवल को आप इससे भी कर सकते हो बस आपको क्या करना होगा एक्स आई निकालनी है एक्स तो आई तो हमें इस फार्मूले के लिए भी निकालनी पड़ेगी वो तो हमें दोनों के लिए निकालनी है ठीक है कैसे जैसे मान लो ये आपके पास डाटा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले ये डाटा आपको दे रखा है जो क्लास इंटरवल है ये क्लास इंटरवल हम ये निकाल देंगे लिख दिया यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी आ गई उसके बाद क्या करना है आपको मिड वैल्यू निकालनी है जिसको हम बोलते हैं एक्स आई तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू इन दोनों की मिड वैल्यू निकालनी है यानी इन दोनों को आप प्लस करो और प्लस करके टू से कर दो डिवाइड या आप सिंपली ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हो जैसे 44 है 44, 45, 46, 47, 48 फोर्टी तो फोर्टी जो है इनके बीच में पड़ रहा है तो आप ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हैं अगर ऑब्जर्व करने में दिक्कत आती है तो आप क्या करो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करो ठीक है जैसे यहाँ पर फोर्टी है फोर्टी फोर प्लस फोर्टी इन दोनों को ऐड करके आप टू से डिवाइड करोगे तो आपके पास फोर्टी बनेगा ऐसे आके सबकी आप मिड वैल्यू निकाल सकते हो सबकी हमने निकाल दी मिड वैल्यू अब अगर हम आगर जो पीछे हमने फार्मूला किया था अगर हम वही वाला फार्मूला लगाए यहाँ पर तो आपको क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ठीक है एफ आई एक्स आई इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे और इन सब का जो टोटल आएगा वो हम इधर लिखेंगे ठीक है टोटल आपके पास ही आ गया टोटल आया टू टू वन वन और जो एफ आई है एफ आई मतलब इसका टोटल कितना है इसके टोटल के लिए आपको कई बार यहीं पर ही दे देता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं यहाँ पर ऐसा नहीं दिया तो टोटल कर लो तो चार तीन सात पांच बारह सात उन्नीस और नौ अट्ठाइस और आठ छत्तीस तो थर्टी सिक्स आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए अब आपको क्या करना है सिंपल टू टू वन वन से को डिवाइड कर देना आपको थर्टी सिक्स से तो इसको डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा इसको डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है सिक्सटी वन पॉइंट फोर टू तो ये इसका मीन आ जाएगा इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हो अगर हम यही वाला फार्मूला यूज करें अब यही वाला फार्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा आपको यूज़ करो ठीक है क्योंकि उस वाले फार्मूले के लिए आपको फिर एक एज्यूम्ड मीन करना पड़ेगा हालांकि कैलकुलेशन की अगर हम बात करें वर्बली अगर कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो वो वाला फार्मूला बेटर है ठीक है जो हमने पीछे भी समझा था लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो फिर ये वाला फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है कि फटाफट आपको कैलकुलेट करना है अगर मैं दूसरे वाले फार्मूले की बात करूँ तो उससे भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर आप कर सकते हो ठीक है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको चाहिए चाहिए मिड वैल्यू आपको चाहिए जो ये वाला जो डाटा है ये हमें नहीं चाहिए इसकी जगह हमें क्या चाहिए इसकी जगह चाहिए हमें एफ आई डी आई अब ये डी आई क्या होता है डी आई निकालने के लिए आपको जो भी आपके पास एक्स आई आई है इसमें से किसी को भी इसमें से किसी को भी आप एक वैल्यू दे दो ए आप किसी को भी दे सकते हो जितना सेंटर में रहोगे उतना बेटर है सेंटर में अब दो वैल्यू आ रही है इन दोनों में से आप किसी को भी दे सकते हो मान लो मैं सिक्सटी वन को दे देता हूँ ए अब आपके आपको क्या करना है डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए और डिवाइडेड बाय सी सी मतलब इनका गैप गैप कितना यहाँ पर देखो चार चार का गैप आ रहा है सभी के अंदर चार का गैप आ रहा है तो आप क्या करोगे यहाँ पर जब आप एक्स आई यानी सिक्सटी वन से स्टार्ट करो सिक्सटी वन में से सिक्सटी वन को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास यहां पर जीरो सिक्सटी सिक्स में से आप सिक्सटी वन को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास फाइव और फाइव को आप डिवाइड करोगे फ़ाइव से गैप एक्चुअली फोर फोर नहीं है गैप एक्चुअली यहाँ पर फाइव ही है क्योंकि ये इंटरवल जो है ना आपको ये इंक्लूसिव दे रखा है यहाँ पर फोर्टी फोर और फोर्टी एट दोनों को काउंट करना है आपको तो फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोटी एट ठीक है दोनों आपको काउंट करने हैं तो गैप आपके पास पाँच है तो सिक्सटी वन में से आप सिक्सटी uh, सिक्स में से जब आप सिक्सटी वन को माइनस करोगे ए को माइनस करोगे पाँच आएगा पाँच को पाँच से डिवाइड कर दोगे तो वन आ जाएगा ऐसे नीचे आओगे तो टू आएगा ऊपर जाओगे तो माइनस वन आएगा यहाँ माइनस टू आएगा यहाँ माइनस थ्री आएगा अब आपको ये वाला डाटा जो है ना ये नहीं चाहिए इसमें जो हम दूसरा वाला फार्मूला कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये जो कैलकुलेशन है आप वर्बली कर सकते हो तो थ्री माइन माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नाइन फोर माइनस टू माइनस एट फाइव इंटू माइनस वन सेवन इंटू में ज़ीरो नाइन इंटू में वन एट टू 16. तो सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव प्लस का हो गया यहाँ पर नाइन प्लस एट सेवनटीन सेवनटीन माइनस फाइव माइनस सेवनटीन माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी टू तो यहाँ पर आया ट्वेंटी फाइव मतलब बच गया आपके पास थ्री तो जो फार्मूला हमारे पास था मीन का उसमें हमने पढ़ा भाई ए था सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एन इन टू में सी तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ए की वैल्यू आ गया आपके पास सिक्सटी वन एफ आई डी आई आ गया आपके पास थ्री एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल थर्टी सिक्स था और सी सी कितना था पाँच तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको काट लेते हैं आप फाइव अपॉन ट्वेल्व फाइव को अगर आप डिवाइड करते हैं ट्वेल्व से तो आपके पास क्या आएगा फाइव को अगर मैं डिवाइड कर दूं ट्वेल्व से कहाँ है भाई कैलकुलेटर फाइव को डिवाइड किया हमने 12 से तो हमारे पास आ रहा है जीरो पॉइंट फोर वन तो सिक्सटी वन प्लस जीरो पॉइंट फोर वन यानी इनको ऐड करेंगे तो सिक्सटी वन पॉइंट फोर वन जब हमने वाला फार्मूला लगाया था डायरेक्ट तो उसमें हमारा आंसर आया था सिक्सटी वन पॉइंट फोर टू यहाँ पर आ रहा है सिक्सटी वन पॉइंट फोर वन इसको अगर मैं आ, मतलब दोनों को अगर हम देखें तो बस थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन में फर्क है तो इतना डिफरेंस आ सकता है इसकी कोई टेंशन नहीं है तो आप दोनों में से किसी भी फार्मूला से कर सकते हो जिससे आप कंफर्टेबल हो तो ये तो होगी सारी कहानी मीन की उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अच्छा उससे पहले हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है इनसे रिलेटेड जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो उसमें आ सकते हैं तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें कहता है ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाई वेरिएबल आर कॉन्स्टेंट से के देन द अर्थमैटिक मीन इज ऑल्सो के ये कह रहा है कि जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी अगर वो सारी कॉन्स्टेंट है मतलब वो एक जैसी है अगर मैं कहूँगी मेरे पास पाँच स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो मीन वेट है मीन वेट सबका सिक्सटी के है ठीक है उन पांचों का जो वेट है वो सिक्सटी के है तो अगर आप इनका मीन निकालना चाहो तो इसका मीन भी सिक्सटी ही आएगा वो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबका सेम ही है सबका सेम है तो जो मीन वेट निकलेगा वो भी सेम ही निकलेगा तो इस प्रॉपर्टी में ये सेम यही चीज़ कह रहा है सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज जीरो जब आप डेविएशन निकालते हो डेविएशन मतलब जो भी आपकी एक्स आई है उसमें से अगर आप मीन को माइनस करते हो और उनका टोटल करते हो तो वह हमेशा वो जीरो के बराबर आएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें एक वैल्यू ले लेते हैं एक छोटी छोटे से टेबल ले लेते हैं एक ले लिया डाटा हमने टू थ्री तीन और दो पाँच पाँच और चार नौ ठीक है ये तीन वैल्यू हमने ले ली इनका अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन आ रहा है इनका नाइन बाय थ्री टोटल आ जाएगा नाइन नाइन को थ्री से डिवाइड करेंगे आ गया थ्री अब आपको निकालना है इसका डेविएशन डेविएशन मतलब एक्स आई माइनस मीन तो एक्स आई हमारे पास टू है टू में से मीन को माइनस करेंगे माइनस वन आ गया थ्री माइनस थ्री करेंगे ज़ीरो आ गया फोर माइनस थ्री करेंगे वन आ गया तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास ये है एक्स आई माइनस मीन और इसका आप सम करोगे तो इसका सम समय देख रहे होगा कि सम आ जाएगा इसका जीरो तो जब भी आप डेविएशन निकालते हो विद विध अर्थम एक्स आई में से मीन को माइनस कर और उसका टोटल कर तो ये हमेशा जीरो के बराबर आएगा सिमिलरली अगर आप एफ आई से भी इसको मल्टीप्लाई कर दोगे फिर आप डेविएशन निकालोगे तब भी आंसर उसका जीरो ही रहेगा उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अर्थमेटिक मीन ज अफेक्टिज ऑफ ओरिजन एंड ओर स्केल विच इम्प्लाइज दैट इफ द ओरिजिनल वेरिएबल एक्स इज चेंज टू अर वेरिएबल वाई बाई अफेक्टिंग ए चेंज ऑफ ओरिजन से ए एंड स्केल से बी देट इज इफ वाई इज इक्वल बी एक्स दैन अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई इज अर्थमैटिक मीन ऑफ वाई इज इक्वलैटिक मीन ऑफ एक्स तो इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लो जो आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ठीक है कैसे भी ऑब्जर्वेशन है अगर आप उसके अंदर उसका स्केल चेंज कर दो स्केल चेंज कर हो मतलब आप हर एक वैल्यू को मान लो टू से प्लस कर देते हो ठीक है जितनी भी वैल्यू है सभी को आप टू से प्लस कर देते हो तो ऐसा करने पर जो नई वाली जो मीन आएगी हमारे पास वो जितना ओरिजिनल मीन था उसमें भी टू प्लस हो जाएगा ठीक है मान लो आप जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा हमने एक क्वेश्चन लिया कि हमने वैल्यू ली टू थ्री और फोर इसका मीन हमने निकाला इसका मीन आ गया थ्री ठीक है अब मैं कह रहा हूं कि मैं जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इन सब में मान लो मैं थ्री प्लस कर देता हूं तो मैंने इन सब के अंदर थ्री प्लस करा टू प्लस थ्री कितना हो गया फाइव थ्री प्लस थ्री कितना हो गया सिक्स फोर प्लस थ्री कितना हो गया सेवन अब इसका जो मीन निकालेंगे वो इसमें थ्री प्लस हो जाएगा क्योंकि इन सब के अंदर हमने थ्री प्लस किया तो जो मीन आएगा ना उसमें भी थ्री प्लस हो जाएगा मतलब सिक्स इसका मीन आना चाहिए तो चेक कर लेते हैं पांच और छः ग्यारह ग्यारह और सात अट्ठारह अट्ठारह टोटल आ गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी है थ्री तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास सिक्स यानी आपने ऑब्जर्वेशंस थी उनके अंदर प्लस थ्री किया तो जो मीन है उसके अंदर भी थ्री प्लस हो गया ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है ठीक है इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो आपके पास मान लो जो ओरिजिनल मीन है वो दे रखा होगा उसको यहाँ पर आप पुट करेंगे तो उससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y मीन की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद नेक्स्ट इसमें कहता है इसमें कहता है आपके पास कि अगर आपके पास दो अलग अलग ग्रुप हैं दो अलग अलग ग्रुप हैं उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी और उन दोनों के अंदर उनकी एक्साई भी दे रखी होगी उनकी ऑब्जर्वेशंस भी दे रखी होंगी एज द रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन देन द कम्बाइंड अर्थमैटिक मीन इज गिवन बाय तो उन दोनों का जब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो आपको क्या करना है एन वन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जितनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है इससे मल्टीप्लाई कर देना है और जो दूसरे की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको इसकी एक साइज से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बनेगी यहां पर एन वन है यहां पर एन टू है तो आपके पास आ जाएगा एन वन प्लस में एन टू ठीक है दो अलग अलग ग्रुप है दो अलग अलग ग्रुप में जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी उसको उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करो जैसे फॉर एक्जाम्पल यहां पर एक कहता है कि द मीन सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ़ फोर्टी फीमेल वर्कर्ज़ रुपीज़ फ़ाइव टू जीरो ज़ीरो पर मंथ जो आपके पास पहला ग्रुप है उसके अंदर फोर्टी फीमेल्स हैं और उनकी जो एवरेज सैलरी है वो इतनी है तो आप क्या करो फोर्टी को मल्टीप्लाई कर दो फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड से जो दूसरा ग्रुप है उसमें सिक्सटी मेल है और उनकी एवरेज सैलरी इतनी है तो अब यहाँ पर आप क्या करो सिक्सटी को मल्टीप्लाई कर दो सिक्स एट ज़ीरो ज़ीरो से अब आप इन दोनों की अलग अलग एवरेज निकाल के फिर कंबाइन कर दो या दोनों को आप इकट्ठा कर दो कि भाई इसमें 40 ऑब्ज़र्वेशन थी इसमें 60 ऑब्जर्वेशन थी टोटल मिलाकर बन गए 100 बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 टू ज़ा एट फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स एट ज़ा फोर्टी एट सिक्स एस ज़ा थर्टी सिक्स प्लस में फोर फोर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड इसको आप ऐड करेंगे ज़ीरो 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 आठ और आठ सोलह चार और दो छः ये कैंसिल तो सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी यानी हम ओवरऑल मीन देखेंगे सबका मेल फीमेल सबको इकट्ठा करके ओवरऑल देखेंगे भाई एवरेज सैलरी कितनी है तो वह सिक्स वन सिक्स जीरो तो इस तरह से आप मीन का जो कंसेप्ट है वो समझ सकते हो कर सकते हो उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है मीडियन अब मीडियन जो होता है इसको हम लोकेशन सेंट्रल uh, टेंडेंसी भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको ना ये एवरेज नहीं देता है ये एवरेज नहीं देता है ये आपको मिडिल वैल्यू बताता है कि भाई बीच में कौन है ठीक है इधर एक ग्रुप है इधर एक ग्रुप है सेंटर में कौन बैठा है सेंटर में कौन बैठा है ये वो बताएगा आपको मीडियन आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन होंगी उन सबके सेंटर में कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है उसको पता लगता है मैं मीडियन से लेकिन इसके लिए आपको काम क्या करना पड़ता है इसके लिए आपको काम करना पड़ता है कि जो भी डाटा होता है ना उसको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऑर्डर होना चाहिए ऐसा नहीं कि डाटा जो जंबल दे रखा है उसको ऐसे ही लेना है डाटा जो भी दे रखा होगा आपको उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना है ऑर्डर में अरेंज करके फिर हम पता लगाएंगे उसके सेंटर में कौन बैठा है दैट इज कॉल्ड मीडियन जैसे मान लो आपको ये एग्जाम्पल एक दे रखा है कि सेवन स्टूडेंट है और उनका डाटा ये है ठीक है ये उनका डाटा है तो आप पहले क्या करेंगे इस डाटा को जो इसका ऑर्डर है उसमें अरेंज करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 52 है उधर तो सबसे पहले आप 52 लिखेंगे फिर उसके बाद 56 आ रहा है फिर 65, फिर 68, एट फिर सेवनटी टू फिर एट्टी फिर एट्टी फाइव डाटा को ऑर्डर में लिखना जरूरी है अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी सेवन तो अब मीडियन क्या आएगा सेवन के सेंटर में कौन है सेवन के सेंटर में जो वैल्यू आएगी वो फोर्थ नंबर पर आएगी ना तो कि जो फोर्थ नंबर पे आएगा एक दो तीन चार पांच छः सात ठीक है सात वैल्यू हैं तो तीन इधर होगी तीन इधर होगी तो ये चौथे नंबर वाली जो वैल्यू है ये सेंटर में बैठी है तो चौथे नंबर पे कौन सी वैल्यू है चौथे नंबर पर सिक्सटी एट है तो सिक्सटी एट मीडियम होगा चार मीडियन नहीं होगा चार नंबर तो आपको ये बताएगा कि चौथे नंबर पर जो आएगी वैल्यू वो मीडियन है चार मीडियन नहीं है चौथे नंबर पर जो भी वैल्यू दे रेखी होगी वो मीडियन है यानी सिक्सटी इसका मीडियन है लेकिन अगर ऐसा हो जाए लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मीडियन कोई एक वैल्यू आए ना तो क्या होगा मान लो यहाँ पर सात की जगह आठ नंबर दिए होते तब हम क्या करते तब हम करने के लिए क्या करेंगे जो मिडल में जो दोनों वैल्यू आएंगी जैसे यहाँ हमारे पास आठ वर्कर है तो आठ वर्कर में हम पहले सबसे पहला काम तो वही करना है कि आपको डाटा को ऑर्डर में अरेंज कर लेना है डाटा को ऑर्डर में अरेंज कर लिया ये ऑर्डर में आ गया सारा डाटा अब आप देख रहे हो कि भाई इसमें आठ वैल्यू हैं तो आठ वैल्यू के सेंटर में तो कोई आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे तीन यहाँ से छोड़ देंगे और तीन पीछे से छोड़ देंगे एक दो और तीन अब सेंटर में कौन सी दो वैल्यू आई 96 और 100। अब इस 96 और 100 की हम एक एवरेज निकाल देंगे दोनों में कोई झगड़ा ना हो तो दोनों की हम एवरेज निकाल देंगे एवरेज कैसे निकालते हैं दो ऑब्जर्वेशन है ना दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर दो तो 96 प्लस में 100 डिवाइडेड बाई टू तो ये आ जाएगा आपके पास नाइन्टी तो नाइन्टी इस डाटा का मीडियन होगा ठीक है तो अगर हम फार्मूले के हिसाब से बात करें तो अगर आपके पास एन ऑड आता है इफ एन इज ऑड जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा तो इसमें मीडियन क्या बनेगा मीडियन बनेगा इसमें एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टूथ टर्म इस नंबर पे जो टर्म आएगी वो हमारा मीडियन होगा जैसे हमारे पास सेवन था तो सेवन प्लस वन एट एट डिवाइड बाई टू यानी फोर तो चौथे नंबर पे जो टर्म आई वो मीडियन है लेकिन अगर एन हमारे पास इवन है जैसा इस केस में हो रहा है आठ है हमारे पास तो इस केस में मीडियन क्या बनेगा हम एन बाय टू निकालेंगे फिर उससे अगली एक टर्म और निकालेंगे इन दोनों को प्लस करके टू से कर देंगे डिवाइड जैसे एट आया था तो एट बाई टू मतलब फोर हो गया यहां पर फाइव आ गया तो ये फोर्थ टर्म थी ये फिफ्थ टर्म थी दोनों को ऐड किया ऐड करके दो से डिवाइड कर दिया ये बन गया आपका मीडियम तो ये हो गया डाटा अगर आपके पास अनग्रुप्ड है तो अगर डाटा ग्रुप्ड है तो क्या करना है डाटा अगर ग्रुप्ड है आपके पास तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है ठीक है अब ये फार्मूला क्या कहता है ये कहता है कि भाई यहाँ पर L1 यानी लोअर लिमिट है यहाँ पर इसका L1 का मतलब लोअर लिमिट प्लस n बाई टू एन बाई टू मतलब जो फ्रीक्वेंसी है एन का मतलब है कि सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम सिग्मा सिग्माइाई बोलते हैं तो उसका हम हाफ़ करेंगे हाफ करने के बाद यहाँ पर एन एल एन एल का मतलब क्या है लेस देन कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू एल वन जो आपके पास यहाँ पर एल वन आप जिससे लोगे जिसकी लोअर लिमिट लोगे उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी कम्युलिटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो एल वन होगा एन यू माइनस एन एल मतलब एन यू मतलब जो इसी की फ्रीक्वेंसी होगी लेस देन कम्यूनिटी फ्रीक्वेंसी कोरोस्पॉन्डिंग टू एल टू इसके बजाय आप इसकी बजाय आप यहाँ पर नीचे ना सिंपल सीधा एफ लिखो एफ मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो भी हम मिडन क्लास यहाँ बनाने वाले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक है ये सारी चीज़ें हमें मिडन क्लास के हिसाब से निकालनी है और इन टू में सी सी मतलब जो भी क्लास इंटरवल होगा उसका गैप तो एक क्वेश्चन से आप समझ लो इसको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा हो सकता है फार्मूले में कुछ कन्फ्यूजन लग रहा हो आपको ठीक है ये हमारे पास मान लो क्वेश्चन है तो अब क्वेश्चन में हमने क्या करा जो भी आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस है 44 से 48 49 53 54 58 59 63 64 68 69 एंड 73 अब यहाँ पर जो आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये इंक्लूसिव दे रखी है तो इसका आपको निकालना है मीडियन तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम तो फ्रीक्वेंसी लिख लो पहले तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास तीन चार पाँच सात नौ और आठ ठीक है फिर निकालो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्यूलिटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते है? जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसमें थ्री का थ्री ऐसे का ऐसे ही लिखा कम्यूलेटिव का मतलब होता है कि भाई इकट्ठा करते हुए चलना है पहले बार में हमें तीन मिल गया अगली बार में चार और मिल गया तो उसको जोड़ दो तीन और चार सात फिर पाँच और मिल गया हमें सात पाँच बारह फिर बारह और सात उन्नीस उन्नीस और नौ अट्ठाईस अट्ठाईस और आठ छत्तीस इसका जो टोटल आएगा वो इसके बराबर आएगा हमेशा ये चेक कर लेना तो ये बन गई आपकी सी एफ़ अब सी एफ बनाने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड करना है पहले सबसे पहले काम करना है आपको एन बाई टू फाइंड करना है तो एन था हमारे पास छत्तीस इसका हाफ़ करेंगे तो आ जाएगा एटीनथ तो हमें ये देखना है कि जो एटीथ ऑब्ज़र्वेशन है वो कहाँ पर आ रही है कौन से इंटरवल में लाई कर रही है एटीथ ऑब्जर्वेशन तो ये जो कम्यूनिटी फ्रीक्वेंसी हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो आपके पास तीन फ्रीक्वेंसी हैं यहाँ पर टोटल सात हो गई टोटल मिलाकर इकट्ठी करके आपके पास सात फ्रीक्वेंसी होगी यानी सात हो गई एक्साई उसके बाद बारह इधर होगी अब उसके बाद आ गई उन्नीस मतलब बारह और उन्नीस के बीच में तो कहीं अठारह आएगा ना बारह और उन्नीस के बीच में कहीं अट्ठारह आएगा इसका मतलब ये वाला जो इंटरवल है फिफ्टी नाइन से सिक्सटी थ्री ये इंटरवल बनता है आपका मीडियन क्लास आप चीज़ें जो भी हैं ना वो इसके हिसाब से चलेंगी तो जो मैंने एफ बताया था आपको एफ इसके सामने वाला ये एफ लेना है सी एफ इससे पिछले वाला लेना है ये सी एफ लेना है आपको जिसको हम वहाँ एल एन आई से हमने डिनोट किया हुआ है सी एफ को एन एल से सॉरी ठीक है अब एन बाई टू आपका निकल ही गया और एल एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल लेकिन आप देख रहे हो क्लास इंटरवल ना यहाँ पर इंक्लूसिव है तो इसमें आप क्या करोगे 59 और 63 में ये आपके पास लोअर लिमिट बनेगी लेकिन 59 नाइन नहीं लिखोगे इसको लिखोगा 58.5 क्योंकि डाटा को आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा उसके लिए तो उसमें जो लोअर लिमिट होती है उसमें पॉइंट हम प्लस कर दें और अपर लिमिट के अंदर पॉइंट इसके अंदर पॉइंट माइनस कर दें और अपर लिमिट के अंदर पॉइंट प्लस कर दें जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इसी तरीके से इसको लिखना चाहिए तो जो फार्मूला हमारे पास था मीडियन का उसके हिसाब से क्या बना यहाँ पर था L1 प्लस एन बाय टू माइनस यहाँ पर था एन एल ठीक है डिवाइडेड बाय यहाँ पर एफ बताया मैंने आपको इधर लिख लो आप सी तो एल वन की जगह आपके पास क्या आ गया फिफ्टी नाइन नहीं आएगा फिफ्टी एट पॉइंट फाइव एन बाय टू आ गया हमारे पास एटीन और सी एफ हमारे पास आएगी ट्वेल्व यानी एन एल और फ्रीक्वेंसी हम ले लेंगे सेवन और सी आ गया आपके पास सी कितना आएगा यहाँ पर चार का गैप नहीं पाँच का गैप है ठीक है इंक्लूसिव है ये तो यहाँ से अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव एटीन माइनस ट्वेल्व सिक्स सिक्स फाइव जै तो थर्टी को अगर आप सेवन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बना थर्टी डिवाइडेड बाय सेवन तो यह आ गया फोर पॉइंट टू एट फिफ्टी एट पॉइंट फाइव पॉइंट टू एट इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यादगा सिक्सटी टू पॉइंट सेवन एट और जो आपका आंसर आएगा वो इस इंटरवल के बीच में ही होना चाहिए फिफ्टी नाइन से सिक्सटी थ्री के बीच में वैल्यू होनी चाहिए आ रही है वैल्यू तो मतलब आंसर आपका ठीक है अगर कैलकुलेशन भी आपने ठीक करी हुई है तो।, तो इस तरह से आप मीडियम निकाल सकते हो उसके बाद अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें जैसे हमने मीन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेम वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप जो भी ऑब्जर्वेशन है उनकी वैल्यू में कुछ आप प्लस करते हो तो जो आपका मीडियन है उसमें भी उतनी ही वैल्यू प्लस हो जाएगी ठीक है यहाँ पर जैसे ए प्लस में बी एक्स इंटू में मीडियन तो एक्स इंटू में मीडियन की जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर पुट करो तो उससे आपके पास वाई मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी तो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम वेन द deviation आर टेकन फ्रॉम द मीडियन यहाँ पर अगर deviation आप मीडियन के अकॉर्डिंग निकालो यानी एक्स आई माइनस मीडियन करो यहाँ पर ठीक है ए यहाँ पर क्या हो गया मीडियन हो गया तो एक्स आई माइनस ए मानी मीडियन हो गया यहाँ पर अगर डेवियशन हम इसके हिसाब से निकालते हैं तो मीन में तो हमने पढ़ा था कि भाई ये जीरो के बराबर हो जाता है लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी एब्सोलूट वैल्यू मतलब नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो उसको आपको पॉजिटिव कर देना है तो इसकी जो एब्सोलूट वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी यानी इसको अगर आप मीन से कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू मीन्स के मुकाबले जो मीन डेविएशन आप निकालोगे उसके मुकाबले यह वैल्यू हमेशा छोटी आएगी अब उसके बाद हम बात करते हैं पार्टीशन वैल्यू की अब पार्टीशन वैल्यू के अंदर हम क्वार्टाइल भी पढ़ेंगे हम डिसाइल भी पढ़ेंगे हम परसेंटाइल भी पढ़ेंगे तो इनका मतलब क्या होता है जैसे हमने मीडियन में देखा कि मीडियन क्या करता है कि जो पूरा डाटा सेट जो होता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ठीक है मीडियन में हमने क्या करा जो भी वैल्यू आपकी मीडियन में आती है उसका आधा इधर होता है आधा इधर होता है आधे लोग इधर चले गए आधे लोग इधर चले गए बीच में रह जाता है मीडियन ठीक है ये होता है मीडियन लेकिन जब आप बात करेंगे क्वार्टाइल की तो क्वार्टाइल क्या करता है क्वार्टाइल पूरे डाटा सेट को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो ये आपके पास हो गया क्वार्टाइल अगर इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक वैल्यू आपको यहाँ लेनी पड़ेगी एक यहाँ लेनी पड़ेगी और एक यहाँ लेनी पड़ेगी यानी तीन पॉइंट लेने पड़ेंगे ना जब आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक मीडियन आ गया एक ही मीडियन आता है लेकिन जब आप चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको तीन पॉइंट लेने पड़ेंगे इसको बोलेंगे क्वार्टाइल वन क्वार्टाइल टू क्वार्टाइल थ्री जो क्वार्टाइल टू होता है वो एक्चुअली में मीडियन ही होता है क्योंकि इसके इधर और इसके इधर बराबर होते हैं तो अगर आपसे कहीं क्वार्टाइल टू पूछा जाता है दैट मीन्स आप मीडियन निकाल मीडियन का फार्मूल लगा दो सिंपल मीडियन निकाल दो तो वो क्वार्टाइल हो गया लेकिन अगर क्वार्टाइल वन या क्वार्टाइल थ्री निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है क्या फर्क आता है यहाँ पर जो क्वार्टाइल वन है या क्वार्टाइल थ्री है ये क्वार्टाइल वन क्या कर रहा है इस पूरे डाटा सेट को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये वाला पार्ट एक है और ये वाला पार्ट पूरा टोटल है फोर यानी ये वाला बन गया आपके पास एन बाय फोर ठीक है इस पूरे डाटा सेट को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और यह बनेगा आपके पास एन बाय टू और यह वाला बनेगा आपके पास थ्री एन बाय फोर ये भी एक्चुअली एन बाय यहां पर अगर आप करोगे तो टू एन बाय फोर बनता है टू एन बाय फोर मतलब एन बाई टू हो गया बात वही है तो ये एन बाय फोर बनेगा यह थ्री एन बाय फोर बनेगा फिर इसके हिसाब से आपको वैल्यूज निकालनी है जैसे मीडियन में एन बाई टू निकालते थे क्वार्टाइल वन में आपको एन बाय फोर निकालना होगा और क्वार्टाइल थ्री में आपको थ्री एन बाय फोर निकालना होगा तो जो फार्मूला आपने मीडियन का पढ़ा था सेम वही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है बस एन बाई टू की जगह वहां पर क्वार्टाइल वन निकाल रहे हो तो ये पुट करना है क्वार्टाइल थ्री निकाल रहे हो तो आपको ये पुट करना है बाकी सब चीजें बिल्कुल वैसे के वैसे ही चलेंगी उसके बाद डेसाइल्स अब डेसाइल जैसे क्वार्टाइल क्या करता था चार पार्ट में डिवाइड करता है डेसाइल क्या करेगा पूरे डाटा सेट को टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा अब टेन पार्ट्स में जब ये डिवाइड करेगा तो इसका मतलब कितने पॉइंट चाहिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ ठीक है नौ डेसाइल होंगे और इनकी वैल्यू भी आप वैसे ही निकाल सकते हो अगर आप डेसाइल वन निकालते हो तो ये एन बाय कितने पार्ट हैं आपके पास दस पार्ट है ठीक है तो ये बनेगा एन बाई टेन ये टू एन बाय टेन थ्री एन बाय टेन फोर एन बाई टेन फाइव एन बाई टेन सिक्स एन बाय टेन, टेन इस तरीके से आप जो भी डेसाइल की वैल्यू निकालना चाहो सेम फार्मूला फार्मूला वही लगा दो मीडियन वाले ही बस वहाँ पर इनको चेंज करते जाओ और सेम फिर ऐसे ही परसेंटाइल होता है परसेंटाइल क्या करता है पूरे डाटा सेट को हंड्रेड पार्ट्स में डिवाइड करता है हंड्रेड पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से नाइन्टी नाइन परसेंटाइल बनते हैं पी वन से लेकर पी नाइन्टी नाइन तक यानी ये पूरे डाटा सेट को 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा इसका तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम पार्टीशन वैल्यू निकालते हैं पार्टीशन वैल्यू अगर आपको निकालनी है अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा सेट है तो उसमें आप सिंपली ये फार्मूला लगा सकते हो ये पी क्या पी किस कि, किसको डिनोट करेगा पी डिपेंड करेगा कि, कि कितना क्वार्टाइल आप बना रहे हो ठीक है क्वार्टाइल बना रहे हो या डेसाइल बना रहे हो या परसेंटाइल बना रहे हो उसके हिसाब से पी की वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करेगी कि क्या वैल्यू आपको पी की लेनी चाहिए जैसे यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में आपको ये डाटा सेट दिया हुआ है इसमें आपको Q1 निकालना है D6 निकालना है और P82 निकालना है तो अगर मैं Q1 निकालना चाह रहा हूँ तो Q1 के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा यहाँ पर n प्लस वन निकालूँ और n प्लस वन को एन प्लस वन को मल्टीप्लाई किससे करूँगा क्योंकि यहाँ पर आप क्वार्टाइल वन निकाल रहे हो क्वार्टाइल वन निकाल रहे हो तो एन की वैल्यू होगी आपके पास वन यानी इसको इंटू कर देंगे वन अपॉन फोर से तो आपके पास एन कितना है एन तो उतना ही रहेगा जितना डाटा सेट ये दे रखा है कितने दे रखे हैं देखो एक दो उसके बाद फिर तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस वैल्यू दे रखी है तो ये बनेगा आपके पास टेन प्लस में वन डिवाइडेड बाय फोर यानी इलेवन बाय फोर और 11 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 2.75 अब ये 2.75 ये क्वार्टाइल वन नहीं है ये क्वार्टाइल वन नहीं है जैसे हमने मीडियन में निकाला था कि जो टर्म आती है कि इस नंबर पे जो टर्म आ रही है वो मीडियन है ऐसे इस नंबर पे जो टर्म आ रही है वो क्वार्टाइल वन है अब इस नंबर पे टर्म कौन सी आ रही है तो पता चलेगा नहीं ये तो 2.75 है तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि 2 2 प्लस उसके बाद ये किस किस के बीच में आ रहा है सेकेंड और थर्ड के बीच में आ रहा है तो आपका जो डाटा सेट है पहले बात तो ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए यहाँ पर भी ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए तो ये अभी ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो इसको पहले ऑर्डर में अरेंज कर लो तो सबसे पहले यहाँ पर फिफ्टी दिखाई दे रहा है छोटा फिफ्टी भी है उससे पहले तो पहले आप लिखेंगे फिफ्टी फिर फिफ्टी सिक्स उसके बाद सिक्सटीज़ वाली लाइन में हमारे पास आ रहा है सिक्सटी फाइव उसके बाद सेवेंटीज़ की लाइन में सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव दो बार आ रहा है फिर एटीज़ की लाइन में आपके पास यहाँ एटी है इधर एटी टू है एटी एट्टी टू नाइन्टीज़ की लाइन में नाइन्टी है बस और नाइन्टी के बाद फिर वन ट्वेंटी पड़ता है फिर वन थर्टी पड़ता है तो काउंट कर लेना कोई मिस तो नहीं हो गया है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ठीक है ठीक है अब इसमें आप देखो कि भाई आपके पास सेकेंड नंबर पर कौन सी वैल्यू आ रही है अब इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए ये आ रही है वैल्यू आपकी 2.75 आ रही है यानी ये वाली टर्म आ रही है ये वाली टर्म का मतलब है कि टू और थ्री के बीच में कोई टर्म आएगी तो हमें जो थर्ड और सेकेंड टर्म है सिक्सटी और फिफ्टी इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा सिक्सटी और फिफ्टी उसके डिफरेंस को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो तो ये बना आपके पास 2 प्लस में 65 फाइव माइनस फिफ्टी सिक्स आ गया 9। 9 को आप मल्टीप्लाई करोगे नाइन को मल्टीप्लाई करो जीरो पॉइंट सेवन फाइव से नाइन इंटू में जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो यार आपके पास सिक्स पॉइंट सेवन फाइव तो यहाँ पर जो टू है टू का मतलब हम सेकंड टर्म की बात कर रहे थे जो सेकंड टर्म है वो कितनी है सेकंड टर्म है फिफ्टी सिक्स तो यहाँ पर आप पुट करेंगे फिफ्टी सिक्स प्लस सिक्स पॉइंट सेवन फाइव यानी आंसर आ जाएगा सिक्सटी टू पॉइंट सेवन फाइव फिर इसी तरीके से आप निकालेंगे यहाँ पर डी सिक्स जब डी सिक्स निकालेंगे तो हमारे पास करना क्या है हमें वही काम करना है जैसे हमने यहां पर किया फार्मूला वही रहेगा एन प्लस वन इन टू में पी यहां पर पी क्या होगा यहां पर आप डी सिक्स निकाल रहे हो यानी सिक्स डेसाइल निकालना चाह रहे हो तो सिक्स डेसाइल का मतलब हो गया सिक्स बाय डेसाइल क्या करता है पूरे डाटा सेट को दस पार्ट में डिवाइड करता है तो सिक्स बाय टेन तो एन की वैल्यू टेन हो गई टेन प्लस वन यानी इलेवन हो गया तो ये आ गया आपके पास सिक्स पॉइंट सिक्स तो सिक्स पॉइंट सिक्स टर्म आएगी आपके पास तो इसका मतलब सिक्स टर्म लो प्लस अब जो जीरो पॉइंट सिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है जो सिक्स और सेवंथ टर्म आ रही है उसके डिफरेंस से तो सिक्स टर्म आपके पास एटी है सेवन टर्म ये है तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे एटी टू माइनस एटी सिक्स टर्म की जगह आप सिक्स नंबर पे टर्म आ रही है एटी उसको यहां पर लिख देंगे प्लस यहां पर आएगा टू टू सिक्स ज ट्वेल्व तो आ जाएगा आपके पास एटी वन पॉइंट टू यह आपके पास बनेगा डी सिक्स उसके बाद आपसे पूछा है पी एटी टू अब पी एटी टू के लिए क्या करना है वही सेम फार्मूला एन प्लस वन अब से पूछ, पूछ 82 सेकेंड आपसे परसेंटेज पूछ रहा है तो एट्टी टू अपॉन हंड्रेड फिर यहाँ पर एन की जगह टेन है टेन प्लस वन इलेवन आ जाएगा इलेवन इंटू में 82 टू बाई हंड्रेड तो एटी टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे टू एट और टू टेन और वन प्लस वन टू एट और वन नाइन सॉरी नाइन जीरो टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो यह आ जाएगा नाइन पॉइंट जीरो टू तो यहाँ पर आप 9 कंप्लीट ले लोगे नाइन प्लस में जीरो पॉइंट जीरो टू को मल्टीप्लाई करोगे किससे जो नाइन्थ और टेंथ का डिफरेंस आ रहा है तो टेंथ टर्म है वो आपके पास वन थर्टी आ रही है उसमें से नाइन्थ टर्म वन ट्वेंटी को माइनस करो तो जो नाइन्थ टर्म है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो वन ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो पॉइंट टू आएगा इनको ऐड करेंगे तो वन ट्वेंटी पॉइंट टू ये आपके पास आ जाएगा P82 तो इस तरह से आप पी एट्टी या डी या जो भी डेसाइल है या जो भी कोर्टाइल है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मोड अगर मोड को हम कंपैरिजन करें बाकियों से तो मोड बाकियों से थोड़ा आसान पड़ता है ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक ही चीज़ है मोड में आपको बस ये देखना है कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है ठीक है मोड में भी डिफाइन एज द वैल्यू दैट ऑकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो सबसे ज्यादा बार आ रही है ठीक है जैसे मान लो ये आपको पास डाटा सेट दिया है अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ तक है इस उसमें आप देख रहे हो फाइव यहाँ भी है फाइव यहाँ भी है फाइव दो बार आ रहा है बाकी सब एक एक बार आ रहे हैं तो यानी इसका मोड हो गया फाइव ठीक है सिंपल मोड आ गया इसका फाइव अब कई बार ऐसा भी होता है कि मोड एक से ज़्यादा भी आ सकता है अगर मान लो इस डाटा सेट में मैं इसमें ऐ, ऐसे कर दूँ फाइव थ्री एट नाइन फाइव सिक्स थ्री मान लो मैं ऐसे कर दूं तो यहां पर फाइव भी दो बार आ रहा है थ्री भी दो बार आ रहा है तो इसमें मॉड दो वैल्यू आ रही है अभी तक हमने देखा कि जब मीन हम निकाल रहे हैं या मीडियन हम निकाल रहे हैं तो उसमें एक ही वैल्यू आती है लेकिन मॉड में दो वैल्यू भी आ सकती है और दो से ज़्यादा भी आ सकती है अगर मैं फाइव फाइव को यहां पर सिक्स को भी मैं एक बार और लिख दूं तो मॉड तीन हो जाएंगे तो अगर इस तरह का केस आता है जिसमें मॉड एक से ज़्यादा आता है तो उसको हम बोलते हैं यहां पर मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसके अंदर एग्जैक्ट दो ही डिस्ट्रीब्यूशन हो दो ही मोड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन दो से भी ज़्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन और कई बार ऐसा भी होता है कि मोड उसका कुछ भी नहीं होता मोड निकलता ही नहीं है जैसे ये डाटा सेट है आपके पास 50, 60, 35, 40, फोर्टी फिफ्टी अब इसके अंदर आप देख रहे हो सारे तो एक एक बार आ रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी रिपीट हो ही नहीं रहा तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मॉडल वैल्यू नहीं है कोई भी मॉडल मार्क इसमें नहीं है तो मॉड जो होता है वो अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है ना भी हो सकता है ठीक है तो ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है खास अब मॉड का जो फार्मूला होता है अगर डाटा है तो हम इजीली उससे निकाल सकते हैं लेकिन अगर ग्रुप्ड डाटा है तो हम उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एल वन प्लस में एफ़ नॉट माइनस एफ़ वन टू एफ़ नॉट माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन इसके क्वेश्चन करेंगे तो इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे कि मॉड का जो क्वेश्चन है इसमें किस तरह से आप निकालते हो अब अगर आपके पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जिसमें एक साइड नेगेटिवली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड आपने अगर डाटा सेट देखा हो तो कई बार जब फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं तो इस तरीके से बनती है ठीक है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है इसकी जो टेल है नेगेटिव साइड लंबी है या पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है तो इस तरह का अगर डाटा होता है तो उसमें मीन मॉडियन मीन मीडियन और मॉड में ये रिलेशनशिप होता है इसको एम्पेरिकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं मीन माइनस मोड इज इक्व टू थ्री टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन आप सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो मोड इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन इसके जो कोफिशियंट हैं उसको तो आप बड़े इज़ीली फाइंड कर सकते हो देखो यहाँ पर थ्री है यहाँ माइनस टू तो थ्री माइनस टू करोगे तो वन आएगा मोड के आगे कोफिशियंट वन हो गया अब इस फॉर्मूले को आप जैसे मर्जी चेंज करके लिख सकते हो मान लो मैं टू मीन को इधर लिख दूँ ट्वाइस ऑफ मीन इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड ऐसे भी लिख सकते हैं तो आप कोफ़िशियंट देख लो कोफिशियंट आपका सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है यहाँ पर थ्री है यहाँ माइनस वन है तो थ्री माइनस वन टू आ गया तो इधर टू आना चाहिए तो ये कोफिशियंट सही होना चाहिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि मीन के साथ टू मल्टीप्लाई होगा हमेशा मीडियन के साथ थ्री मल्टीप्लाई होगा और मोड अकेला होगा ये चीज़ तो ध्यान रखनी है ठीक है अगर डाटा सिमिट्रिक होता है सिमिट्रिक मतलब अगर आप उसका ग्राफ देखो तो डाटा इस तरह से बिल्कुल सिमिट्रिक होता है जैसे बेल शेप का वो भी बोलते हैं दोनों तरफ बराबर होता है तो उस केस में जो मीन मीडियन और मोड होते हैं ये तीनों आपस में बराबर होते हैं इस पॉइंट पर ये तीनों आपस में बराबर होंगे यहीं पर मीन निकलेगा यहीं पर मॉड निकलेगा और यहीं पर मीडियन निकलेगा इसके अलावा मॉड की एक प्रॉपर्टी और होती है जैसे हमने मीन में पढ़ी थी या मीडियन में पढ़ी थी ठीक है अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो इसका मतलब वाई ऑफ मॉड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टाइम्स एक्स ऑफ मॉड ठीक है ये सेम मीन मीडियन में जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी की तरह ये प्रॉपर्टी है सेम उसके बाद आता है आपके पास एक और मीन है जोमेट्रिक मीन अब अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते थे अर्थमेटिक मीन में हम सबको ऐड करते थे और ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे लेकिन मॉड इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन के अंदर आपको क्या करना है जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर उतनी पावर आपकी इसकी अपॉन में लेनी है वन अपॉन एन ही आप ठीक है जैसे मान लो आपके पास ये तीन वैल्यू दे रखे हैं थ्री सिक्स और ट्वेल्व इसका आपको निकालना यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन तो क्या करेंगे थ्री इंटू सिक्स इंटू ट्वेल्व और तीन वैल्यू हैं तो डिवाइडेड रेज रेज टू पावर वन बाई थ्री तो यहाँ पर थ्री सिक्स जहाँ एटीन एटीन को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बहत्तर तीन दूनी छः टू वन सिक्स टू वन सिक्स का क्यूब रूट करते हैं तो ये आता है सिक्स तो ये बनेगा आपका ज्योमेट्रिक मीन उसके बाद अगर जोमेट्री मीन आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना पड़े तो इसमें भी फार्मूला लगभग सेम ही फार्मूला है बस आपको क्या करना है यहाँ पर जितनी भी ऑब्जर्वेशनस है उतनी उनकी पावर यहाँ पर आपको मल्टी पावर उसकी करते जाना है ठीक है जैसे यहाँ पर जो एक्साई आपके पास कितनी है दो बार है तो यहाँ पर टू कर देंगे हम टू की पावर टू फोर कितनी बार है तीन बार है एट कितनी बार है ये भी तीन बार है सिक्सटीन कितनी बार है ये दो बार है फिर होल पावर कर देंगे कितनी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनका सम करना है सम कितना आएगा इनका दो तीन पाँच तीन आठ और दो दस ठीक है अब इसको सिम्प्लीफाई करो इसकी पावर कर दो वन बाय टेन और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर टू की पावर टू पॉइंट फाइव ज़ीरो ठीक है मतलब इन सबको कैलकुलेट करेंगे इसकी होल पावर आएगी और उसके साथ इसको एक वेट करेंगे तो टू की पावर टू पॉइंट फाइव ज़ीरो आ रही है और इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हो कैलकुलेटर से तो ये बनती है आपके पास फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स ठीक है इस तरीके से हम जोमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती हैं उनको देख लेते हैं जो पहली प्रॉपर्टी है इसमें कहता है कि लॉगरिदम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिदम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जो लॉग ऑफ जी होगा यानी ज्योमेट्रिक मीन लॉग ऑफ जी किसके बराबर होगा वन बाय आर सिगमा लॉग ऑफ एक्स एक्स मतलब जो भी अर्थमेटिक मीन आएगा आपका उसके बराबर होगा सेकेंड में कहता है इफ़ द ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम बाई ए वेरिएबल आर कॉन्स्टेंट से के ग्रेटर देन जीरो देन द जोमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आल्सो के ये अर्थमेटिक मीन में जैसे प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर आप सबकी वैल्यू सेम रहती है तो उसका जो अर्थमेटिक मीन है वो भी वही रहेगा ऐसे यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक मीन है वो भी वही रहेगा अगर आपके पास कोई डाटा सेट है सबकी वैल्यू 60, 60, 60, 60 है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन भी 60 के बराबर ही रहेगा उसके बाद जो नेक्स्ट uh, प्रॉपर्टी है इसमें इसमें कहता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन यानी जैसे आपको यहाँ पर दिया है कि जेड की जो वैल्यू है वो एक्स वाई के बराबर है तो इसका मतलब जो जी जेड uh, का ज्योमेट्रिक मीन है वो x के ज्योमेट्रिक मीन और y के ज्योमेट्रिक मीन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा अगर यही चीज़ आपको डिवीजन में दे दी जाए यहाँ x अपॉन वाई है तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दो ज्योमेट्रिक मीन को अगर डिवाइड में है तो डिवाइड कर दो उसके बाद हमारे पास एक और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है दैट इज हार्मोनिक मीन जो हार्मोनिक मीन होता है ये आप कह सकते हो कि जो अर्थमेटिक मीन है उसका रेसिप्रोकल होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन जैसे अर्थमेटिक मीन में आपके पास ये मान लो डाटा है तो अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं इन सबको प्लस करते हैं ठीक है ठीके? सिग्मा एक्स आई और जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे हम कर देते हैं डिवाइड तो मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल कैसे करना है जो ये वाला जो एन है ये ऊपर चला जाएगा इधर आ गया और जो ये सिग्मा एक्स आई है इसकी ऑब्जर्वेशन का भी रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करना है यानी समेशन ऑफ वन अपॉन एक्स आई करना है जो आपको यहां पर एक्स वन दे रखा है इसको आपको पहले करना है वन अपॉन एक्स वन वन अपॉन एक्स टू वन अपॉन एक्स थ्री फिर इन सब का सम करेंगे तो आ जाएगा समेशन ऑफ वन अपॉन एक्स आई ठीक है जैसे आपके पास ये डाटा दे रखा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर इसका हारमोनिक मीन निकालने के लिए इनका पहले रेसिप्रोकल कर लो वन बाय फोर वन बाय सिक्स वन बाय टेन ठीक है और इस रेसिप्रोकल को डिवा उसको इसके न्यूमिनेटर में रखो कितनी ऑब्जर्वेशन है तीन ऊपर आ जाएगा तीन तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं इसका अगर आप वो निकालोगे एलसीएम तो ये कितना बनेगा आपके पास सिक्सटी आ जाएगा यहाँ पर पंद्रह यहाँ पर दस यहाँ पर 6 सिक्सटी को ऊपर ले जाओ पंद्रह छः इक्कीस दस इकतीस तो वन एटी अपॉन थर्टी वन अगर आप 180 को 31 से डिवाइड कर लेते हो तो ये बनता है आपके पास 5.77। अगर हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उसमें हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर ऊपर तो नंबर ऑब्जर्वेशन ही रहेगी नीचे जो वन एक्स आई था उसकी जगह एफ आई अपॉन एक्स आई हो जाएगा अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर एफ आई को एक्स आई से डिवाइड करना है तो आप पहले एक कॉलम बना लो एफ आई डिवाइडेड बाई एक्स आई तो एफ आई टू है टू को टू से डिवाइड करेंगे तो वन आ गया ठीक है थ्री को फोर से डिवाइड करेंगे तो थ्री अपॉन में फोर थ्री अपॉन एट टू अपॉन में सिक्सटीन यानी वन अपॉन एट इन सब का कर लेना है आपको सम तो क्या बनाया समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई कितना आ गया वन प्लस में थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट एल्शियम ले लो इधर एट आ गया इधर सिक्स इधर थ्री इधर वन तीन और एक चार से दस आठ अट्ठारह तो यह आ गया नाइन बाय फोर तो आप कुछ आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको ऊपर ही रखनी है नंबर ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ एफ आई जब भी एफ आई दे रखी होगी तो उसका सम जो होता है वो एन होता है ध्यान रखना तो यहां पर कितना आ गया पाँच ये और पाँच ये दस इसका सम आ गया 10 तो हम लिखेंगे 10 अपॉन में 9 अपॉन 4 ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 40 अपॉन में 9 तो 40 अपॉन में 9 यानी 4 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा तो ये आ रहा है फोर तो इस तरह से आप हारमोनिक मीन निकाल सकते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हारमोनिक मीन की इसमें फिर वो सेम प्रॉपर्टी है अगर आप जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको अगर कांस्टेंट टर्म लेते हो तो हार्मोनिक मीन भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है वही हार्मोनिक मीन बन जाएगा अगर हमारे पास दो ग्रुप है एक के अंदर एन वन एन टू ऑब्जर्वेशन है और एच वन एच टू उसका हार्मोनिक मीन है तो उसका कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालेंगे जैसे हम अर्थमेटिक मीन में निकालते थे ये वाली टर्म ऊपर होती थी ये वाली नीचे होती थी तो वही रस्सी प्रोकल्प आपको कर देना है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशन क्या होता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू हार्मोनिक मीन ठीक है इन तीनों में रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है और जोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है उसके बाद हम निकालते हैं वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज कब निकालनी है जब आपको एक पर्टिकुलर वेट दे रखा हो ठीक है वेन द ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन ए हेरिकल ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस वी टेक रिकॉर्स ऑफ द कंप्यूटिंग वेटेड एवरेज जब आपको एक ऑर्डर में दे रखा हो उसका ऑर्डर की वहाँ पर वेटेज हो जैसे रैंक होता है उसकी वेटेज हो वहाँ पर कोई तो जब उसकी वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो सिंपल क्या करना है जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है वही आपको रखना है सिग्मा एक्स आई होता है तो यहाँ पर उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है नीचे जो एन होता है एन की जगह टोटल वेट ले लेना है तो वही फार्मूला आपको यूज़ करना है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ सिग्मा डब्लू आई लॉग एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्लू आई ये फार्मूले आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे वेटेड मीन के और वेटेड हार्मोनिक मीन में हार्मोनिक मीन में वो इसका आपको रेसिप्रोकल करना है जैसे हमने उसमें किया था डब्लू अपॉन एक्स डब्ल्यू आई अपॉन एक्स आई नीचे आ जाएगा और ऊपर सिग्मा डब्लू आई आ जाएगा तो ये सारे फार्मूलाज़ हैं जो हमें इस चैप्टर में यूज़ करने हैं तो इस वीडियो के थ्रू ये सारे आपको आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे और आप लोग इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तो आज की इस क्लास में इतना ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फो ऑल ऑफ यू Gracias.